पंच परमेश्वर होता है, पंच में परमेश्वर बसता है, ऐसा हम सभी बचपन से सुनते आए हैं। यह ऐसा इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर यानी हमारे रब की नजरों में उसके सारे बंदे एक जैसे होते हैं, वह किसी में भी फर्क नहीं करता है। इसी तर्ज पर पंच परमेश्वर कहा गया है कि उसको फैसला देते वक्त न्यूट्रल रहकर बिना किसी पक्षपात के फैसला करना चाहिए। अदालतों के जज भी पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरह से पक्षपातपूर्ण फैसले आए हैं, उनसे पंच परमेश्वर की गरिमा को ठेस पहुंची है। अदालतों और सरकारी संस्थानों में आपको बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। पहले तो इस सत्य वचन पर विश्वास रहता था, लेकिन आजकल इसकी सत्यता पर भी सवालिया निशान लग गया है। अभी हाल ही में बुल्ली बाई ऐप केस के अक्यूज्ड नीरज बिश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप क्रिएटर ओम कालेश्वर ठाकुर को मानवता के आधार पर यह कहकर कि इनका पहला जुर्म है जमानत देकर छोड़ दिया गया। इन लोगों की घिनौनी हरकत से मुस्लिम समाज के करोड़ लोगों को दिली तकलीफ पहुंची थी, वह सब दरकिनार करके इनको माफ कर दिया गया है ताकि ऐसे लोग आगे भी समाज के लिए नासूर बनते रहें। भाजपा के अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप थे। इन लोगों ने मुस्लिम समाज के प्रति नफरत और जहर फैलाने का काम किया था, यहाँ तक कि गद्दार करार देते हुए गोली मारने जैसी जहरीली स्पीच सार्वजनिक रूप से बयां की थी। लेकिन उन लोगों को यह कहकर माफ कर दिया गया कि मुस्कुराकर की गई कोई भी गलती जुर्म नहीं हो सकती, और साथ में यह टिप्पणी कि चुनाव के दौरान दिए गए भाषण अलग होते हैं, अगर यही भाषण किसी और वक्त में दिए गए होते तो ये भड़काने के लिए होते। और अंत में पंच परमेश्वर की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए बच्चों की मानसिकता जैसे हास्यास्पद फैसला देते हुए उन लोगों को माफ कर दिया गया ताकि ऐसे लोग आगे भी समाज में जहर फैलाने का काम करते रहें। यह तो वही बात हो गई कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, अगर मोदी जी हैं तो ऐसे जहरीले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज के खिलाफ जो जितना जहर उगलेगा उसे उतना बड़ा आशीर्वाद और इनाम मिलेगा। बाबरी मस्जिद केस के अक्यूज लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी वगैरह को भी यह कहकर माफ कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, और न ही यह साबित होता है कि यह हादसा एक प्री प्लानिंग था। यह सुनकर मुझे मुंबई में हुए एक हादसे की याद आ गई, जिसमें एक नेवल कमांडर अपनी पत्नी को यह कहता है कि वह 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन बाद में उसका जाना कैंसिल हो जाता है, और शाम को जब वह घर लौटता है तो अपनी वाइफ को उसके फ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका खून खोल उठता है, लेकिन खून का घूंट पीकर वह चुपचाप अपनी यूनिट में वापस लौट जाता है, और वहां से वह लोडेड सर्विस रिवॉल्वर लेकर आता है और घर पहुंचकर दोनों का मर्डर कर देता है। अदालत में कमांडर का वकील यह दुहाई देता रहा कि यह प्री प्लान मर्डर नहीं था, बल्कि अपनी वाइफ को दूसरे के साथ देकर अपने होश हवास खो बैठा और यह गलती हो गई। इसलिए इस पर रहम करते हुए
इसे माफ कर दिया जाए। लेकिन जज साहब यह कहते हैं कि जैसे ही उसने अपनी पत्नी को उसके दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, अगर उसी वक्त उसने होश खोकर शॉक्ड हालत में मर्डर किया होता तो शायद यह अदालत उस पर रहम करते हुए माफ कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको देखकर उसने होश हवास नहीं खोया, बल्कि होश हवास कायम रखते हुए वह अपनी यूनिट में वापस गया और वहां से भरी हुई सर्विस रिवॉल्वर लाकर मर्डर किया। इससे यह साबित होता है कि यह पूरे होशो हवास में किया गया एक प्री प्लान मर्डर था। इसी बेस पर उस कमांडर को सजा दे दी गई। बाबरी मस्जिद केस में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और जहां जहां से उनकी यात्रा निकली माहौल खराब होता रहा, दंगे फसाद होते रहे, जहरीले भाषण होते रहे और अंत में बकायदा कार सेवकों को उकसाकर ट्रेनों में भर भर कर वहां पर भेजा गया और बाबरी मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया। यह प्री प्लान नहीं था तो क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और उसकी वजह से बिगड़े माहौल और हालात से ज्यादा पक्के सबूत और क्या हो सकते थे? सब कुछ दरकिनार करते हुए सबको बरी कर दिया गया। दिल्ली के दंगों के केस की सुनवाई के दौरान भी जब जज ने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की थी तो उस ईमानदार जज साहब का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ईमानदार जज लोया का भी जो हश्र हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा। सत्य की समर्थक बुजुर्ग महिला गौरी लंकेश के साथ भी जो हश्र हुआ उसका पूरा देश गवाह है। अदालत के इन फैसलों और हालातों के पीछे मोदी जी आपका प्रेशर साफ झलक रहा है। आपके राज में न्यायपालिका की विश्वसनीयता और गरिमा को काफी ठेस पहुंची है। ऐसे ऐसे फैसले निकल कर आ रहे हैं जिन पर विश्वास करना भी काफी मुश्किल होता है। मोदी जी आप तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि हिंदू राजाओं ने सत्य और न्याय की बेहतरीन मिसालें कायम की हैं, जिनमें सबसे ऊपर राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के द्वारा उनके सत्य की परीक्षा ली गई, जिसमें उनका राजपाट दान में चला जाता है। बाद में गुरु दक्षिणा देने के लिए वह अपने आप को भी काशी में एक चांडाल के हाथों बेच देते हैं। उनकी पत्नी और पुत्र एक ब्राह्मण के यहाँ शरण लेते हैं। अपने परिवार से अलग होने के बाद पुत्र रोहतास की सर्पदंश यानी सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में राजा हरिश्चंद्र का टैक्स यानी कर लेना सत्य और धर्म की रक्षा करने का एक अति उत्तम उदाहरण था, जिसमें वे खरे उतरे। इसीलिए उनके बारे में प्रसिद्ध है, चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे जगत विचार, पैदृढ़ निश्चय हरिश्चंद्र, टरे न सत्य विचार। मतलब चंद्रमा और सूर्य अपनी राह से हट सकते हैं और सारे संसार के लोगों के विचार भी बदल सकते हैं, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए कभी पीछे नहीं हट सकते। एक बार स्वर्ग लोक में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से नारद मुनि ने पूछा कि पृथ्वी पर सबसे उत्तम क्या है। उन्होंने जवाब में कहा, सत्य सबसे उत्तम है, लेकिन आजकल अदालत में सत्य को पीछे छोड़कर असत्य की विजय हो रही है, जिससे हमारा सिर दुख और शर्म से झुक जाता है। राजा हरिश्चंद्र का शासनकाल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र
के शासन काल से भी पहले था, लेकिन उनके सत्य धर्म के पालन की वजह से आज भी हम लोग उनको अति आदर से याद करते हैं। मोदी जी, सत्य और धर्म का पालन करने के लिए आपके पास अभी भी मौका है, वरना इतिहास जिस तरह राजा हरिश्चंद्र को सत्य के लिए आदर पूर्वक याद करता है, आपको इसके विपरीत असत्य का पालन करने के लिए निरादर से याद करेगा। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद।